हेलो गाइस, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज मैं बात करूंगा प्रोटीन के ऊपर। तो बहुत पर्सन हम मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन प्रोटीन लेते हैं, एथलीट्स जहाँ कोई भी गेम बड़ा लेता है, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने मसल्स बिल्ड करने में या मसल्स रिकवरी में। ठीक है, तो कुछ आइसोलेटेड होते हैं, कुछ गेनिंग वाले होते हैं या उस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमें कौन से लेने हैं वो बाद की बात है। पहले नंबर पे हमें ये पता करना है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं, बिगनर्स हैं या कुछ मैच्योर एथलीट भी हैं, कुछ ओल्ड एज हैं जो मैराथॉन्स वगैरह भागते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं, तो सडन उनको पहले दिन मान लो उन्होंने प्रोटीन एक स्कूप ले लिया या 1.5 स्कूप ले लिया, तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लूज मोशंस हो जाते हैं, कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, राइट। तो कईयों को पेट में गैस बनती है और कईयों को डकार या मुंह में से स्मेल प्रोटीन की आनी है, अजीब टाइप का फीलिंग होती है। तो उस चीज को हमें रोकना कैसे है? तो सबसे पहले तो रोका इसी चीज से जाएगा कि हमें, आप जो भी प्रोटीन लेना चाहते हैं, आपका जो गाइडलाइन आपको देता है या गाइडेंस कुछ भी हो सकता है, कोच है या कोई भी है, सीनियर एथलीट है, तो पहले देखा जाए। ये नहीं है कि आपको प्रोटीन किसी ने बोल दिया, आप वहां पर गए और प्रोटीन दे दो, प्रोटीन बाय किया और आपने खा लिया, देन आपको वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहने लग गई। पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, वो आपको लगातार आप 10 दिन खा रहे हो, आपकी मसल रिकवरी नहीं हुई, उल्टा लूज मोशंस कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आपके बिल्ड होने की जगह पे ड्रॉप हो रहे हैं मसल्स। तो इस बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं सभी, जो प्रोटीन पाउडर होता है वो मैक्सिमम मिल्क से बनता है, दूध से ही बनता है, ठीक है, और प्योर दूध से बनता है, राइट। तो कुछ बंदों को, पर्संस को प्रोटीन मिल्क सूट नहीं करता है, उनको पनीर भी सूट नहीं करता है, या मैं बोलूं तो योगर्ट वो भी सूट नहीं करता है। इसके अलावा दूध से बनी हुई कोई भी चीज सूटेबल नहीं होती उनके लिए, तो वो क्या करते हैं, तो उनके लिए हमें किस टाइप का प्रोटीन देना चाहिए उनको, जो उनको सूटेबल हो। कुछ को गेनिंग करनी है, उनको सूट करता है, जो कंटिन्यू 5-6 साल से ले रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं मेरी बात करूं तो मैं भी अगर शुरू में लेता था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी, लूज मोशंस वाली, या पेट में गुर गुर ये आवाज आती है, ठीक है, अजीबोगरीब सिस्टम। एक आता है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम लैक्टोज रहते हैं, तो वो आपको सबसे ज्यादा लूज मोशन देते हैं। उस प्रोटीन को लेने से हमें ज्यादा से ज्यादा लूज मोशन लगते हैं, मसल तो बिल्ड करता है बट अगर आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो उल्टा आपके ऊपर लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आइसोलेटेड प्रोटीन, आपने नाम सुने होंगे, आइसोलेटेड वो होते हैं जो गेनिंग कम करते हैं, मसल रिकवरी ज्यादा करते हैं और फैट बिल्कुल लो देते हैं आपको, उनके अंदर मिनिमम लैक्टोज होते हैं। तो मिनिमम का हमें फायदा है, बहुत फायदा है, क्योंकि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है उसको और हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करती करनी पड़ती, जैसे कि खट्टी डकार ना आना या कोई भी नींद में प्रॉब्लम, या ग्राउंड जाने से पहले आप वर्कआउट कर रहे हो या ग्राउंड के अंदर, तो वहां भी आपको फैट प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो सारी चीज। इसके बाद आ जाता है सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज प्रोटीन आते हैं, जिनको आप हाइड्रोलैक भी बोल लेते हैं। ये थोड़े से कॉस्टली प्रोटीन है जो नहीं बाय कर सकते, मैं पहले तो चलो इसके बारे में बता देता हूं। ये इसके अंदर लैक्टोस बिल्कुल जीरो है, लो, सबसे लो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इजीली आप डाइजेस्ट कर पाते हो। आप पहले दिन अगर 1 स्कूप ले रहे हो तो दूसरे दिन आप 2 स्कूप लेने की क्षमता रखते हो, ये इतना लो लैक्टोस होते हैं इसके अंदर। तो आपको ये अगर बाय कर सकते हैं तो यही बाय करें, अगर अदरवाइज आप दूसरा भी बाय कर रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप खाली वो ना लें प्रोटीन को, उसके साथ कुछ खाएं ताकि वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करे आपकी, ठीक है। जैसे आप बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, कुछ किसी तरह का फ्रूट ले लें। तो इसके अलावा अगर आप फिर भी आपको लूज मोशन स्टेबल नहीं हो रहे या आपकी बॉडी स्टेबल नहीं फील कर रहा स्टमक आपका, तो फिर आपको एक कैप्सूल आता है वो बता देता हूं, ताकि आप इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्पोरलैक डीएस एक कैप्सूल आता है, पत्ता ले लेना आप उसको खाओगे साथ में, मान लो आपने प्रोटीन के साथ ही ले लिया या थोड़ी देर के बाद ले लिया, आप फील करोगे कि आपको लूज मोशन स्टेबल हो गए, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी, वो उस चीज की मात्रा को बढ़ा देता है। 1.2 बिलियन इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं डाइजेस्ट करने को, तो ये सबसे ज्यादा बोल सकता हूं फेमस कैप्सूल है जो इस चीज को ठीक करता है, आपकी लूज मोशन की प्रॉब्लम को फिट कर देता है। तो ये मेरी प्रोटीन के ऊपर थी, 3 तरह के आते हैं, तो आप उस तरह का ही लें तो
मैक्सिमम जिस जो आपको सूटेबल हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।